दोस्तों नमस्कार आज हम चर्चा करने वाले हैं एस एस टी यूनिट फर्स्ट में जो आपका हड़प्पा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चर्चा करेंगे दोस्तों वैसे हड़प्पा सभ्यता जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है उसको मैंने इन ती तीस प्रश्नों के माध्यम से संक्षेप में करने का प्रयास किया है इसी से संबंधित आगे एक और वीडियो आने वाला है क्योंकि बड़ा टॉपिक होने के कारण सारे प्रश्नों को एक साथ समेटना मुश्किल हो रहा था इसलिए एक वीडियो और इसका आएगा उसको भी आप अवश्य देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है और आद्य ऐतिहासिक काल हम उस कालखंड को कहते हैं इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसका हमको पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि वगैरह याद है याद है लेकिन उसको लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं तो उसको आद्य इतिहास में रखते हैं दोस्तों इसके पहले हड़प्पा सभ्यता के पहले का जितना भी इतिहास है प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाण काल इसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं और इसके बाद वाला जो वैदिक काल है उसको भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं और इसके बाद में जो मौर्य काल वग़ैरह है महाजनपद काल है यहाँ से जो है ऐतिहासिक काल माना जाता है क्योंकि इस समय की हमने लिपि भी पढ़ी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास है तो इसको हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो इसकी जो तो तिथि है हड़प्पा सभ्यता की वो तिथि जो है तेईस सौ पचास से तेईस सौ पचास से और सत्रह सौ पचास ईस्वी पूर्व है कार्बन चौदह के आधार पर कार्बन चौदह के आधार पर इसकी तिथि तेईस सौ पचास से सत्रह सौ पचास ईस्वी पूर्व है ये एक ही तिथि आपको ज्ञात रखना है दोस्तों Uh, कार्बन चौदह के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग तिथियाँ हैं लेकिन उसको याद नहीं रखना है आपके हिसाब से आपके लेवल के हिसाब से ये ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों वो अफगानिस्तान में है अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत भारत इस प्रकार से तीन देशों में इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों और सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसका भारत में पाया जाता है आज़ादी से पहले पाकिस्तान में इसके ज़्यादातर स्थान खोजे गए थे और वर्तमान में इसके चौदह सौ से ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं दोस्तों इसके जो पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल उत्तर स्थल और दक्षिण स्थल की बात कर लें तो पूर्वी जो स्थल है इसका सबसे पूर्वी स्थल जो है मांडा है सॉरी आलमगीरपुर है आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में स्थित है और सबसे पश्चिमी स्थान जो है वो सतका गेंडोर है सुतका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है और मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है सबसे दक्षिणी स्थल जो है देमाबाद है देमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों यदि इनके विस्तार की बात करें तो जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो है लगभग सोलह सो किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का जो है वो विस्तार है चौदह किलोमीटर इस प्रकार से इनका इसका विस्तार है दोस्तों और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बारह लाख निन्यानवे हज़ार छः सौ बारह लाख निन्यानवे हज़ार छः सौ वर्ग किलोमीटर माना जाता था लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका क्षेत्रफल और भी बढ़ गया है लगभग बीस लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग हो गया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और इसके अन्य क्या, क्या क्या नाम हैं इसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको आ, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीकरण क्रांति इस प्रकार से इन नामों से भी इसको जाना जाता है दोस्तों यदि इसके निर्माताओं की बात करें तो इसके मुख्य निर्माता द्रविड़ी द्रविडियंस प्रजाति के लोग थे लेकिन यहाँ अल्पाइन प्रोटोस्टेलाइट और मंगोलाइट प्रजाति के लोग भी मिले हैं चार प्रजातियों के लोग यहाँ मिले हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में छः सात जो है महत्वपूर्ण स्थान है महत्वपूर्ण स्थल है उसके उत्खननकर्ताओं के नाम और कब उत्खनन किया गया है खोजकर्ताओं के नाम और कब खोज की गई है ये आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ हड़प्पा सभ्यता का कार्बन चौदह के अनुसार कालक्रम है तो दोस्तों ये देखना है कार्बन चौदह के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम का क्या है हमने चर्चा भी की थी जस्ट पहले आप ईमानदारी से टिक करिए कि कौन सा सही है तो दोस्तों कार्बन चौदह के आधार पर क्या है तेईस सौ पचास से सत्रह सौ पचास ईस्वी पूर्व तेईस सौ पचास से सत्रह सौ पचास ईस्वी पूर्व दोस्तों ये चार कालक्रम दे रखे हैं इनके बारे में भी मैं बता देता हूँ बत्तीस सौ पचास से और अट्ठाईस सौ पचास है ये सर जॉन मार्शल ने बताया है और पच्चीस सौ ईस्वी पूर्व से और पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व जो है ये मार्टिमर विलर ने बताया है और अट्ठाईस सौ ईस्वी पूर्व से पच्चीस सौ ईस्वी पूर्व है ये मैके ने बताया है ये ध्यान रखना है दोस्तों और ये कार्बन चौदह के आधार पर जो कार्यकाल है यही जो है एक धर्मपाल अग्रवाल नाम आता है इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने भी यही बताया है आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये सभ्यता लगभग आज से चार हज़ार वर्ष पुरानी है आधुनिक खोजों के अनुसार इसका कालक्रम और भी पीछे चला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर जो है मेरठ में मेरठ ज़िले में और मेरठ जिला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है किस में स्थित है सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे दक्षिणी स्थल किस किस राज्य में स्थित है तो वो महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में।, में है और सबसे पश्चिमी जो है बलुचिस्तान में है और बलूचिस्तान का स्थित है पाकिस्तान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोस्तों यहाँ बिहार जो है बिहार में सिंधु सभ्यता का कोई विस्तार नहीं पाया जाता है याद ध्यान रखना हरियाणा में है राखीगढ़ी बनावली वगैरह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है वो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा स्थल और सबसे भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करें तो राखी गड़ी है ये ध्यान रखना है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ने देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के कौन सा या कौन से स्थल कच्छ में स्थित है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझना है आपके पास जो बुक्स है या जो भी नोट्स हैं उसमें आपको अच्छी तरीके से बनाना है इनको अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्र जो स्थित हैं नगर उनको देखना है और इनको डायग्राम के माध्यम से समझना है तो दोस्तों धोलावीरा देशलपुर सुर कोटड़ा और उक्त सभी तो दोस्तों यहाँ जो है धोलावीरा भी कच्छ के क्षेत्र में स्थित है देशलपुर भी है और सुर भी है दोस्तों धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा में दोस्तों एक साइन बोर्ड मिला है क्या मिला है साइन बोर्ड जो जैसे किसी भी संस्थान के सामने लगा होता है मुख्य द्वार पर इस तरीके से तो ये शहर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ था धोलावीरा में और इसमें दस चिन्ह है दस चिन्ह थे दोस्तों और इसमें यू आकार के मछली के आकार के इस तरीके से दस चिन्ह में कुछ लिखा हुआ था तो ये साइन बोर्ड मिला है दोस्तों यहाँ धोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिला है दोस्तों क्या मिला है स्टेडियम जो कि उस समय खेल वगैरह के लिए या सामाजिक समारोह के लिए ये काम में लिया जाता होगा दोस्तों यहीं से धोलावीरा से ही आपको याद रखना है धोलावीरा से ही जो है बांध के साक्ष्य मिले हैं नदी पर नदी पर बांध के साक्ष्य मिले हैं और उस बांध से नहरें निकालने के भी साक्ष्य मिले हैं और उत्तम प्रकार की सबसे उत्तम प्रकार की जल निकासी प्रणाली की या जल संरक्षण की बात करें जल संरक्षण की तो वो धोलावीरा में मिली है दोस्तों सुर कोटड़ा जो है ये भी गुजरात में है और कच्छ में है यहाँ से दोस्तों आ, आ, जो माप का जो माप के लिए तराजू हम प्रयोग करते हैं तराजू का एक पलड़ा प्राप्त हुआ है सुर से ठीक है दोस्तों तो ये आपको ध्यान रखना है देशालपुर इतना महत्वपूर्ण नहीं है नो नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली तो दोस्तों हमने देखा था पहले कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य कांस्युगिन सभ्यता भी कहा जाता है तो कांसा किस किस से बनता है कांसा जो बनता है तांबा व टीन से बनता है तो तांबा तो निश्चित रूप से मिलेगा तो दोस्तों इसमें लोहा भी मिला है तांबा भी मिला है सोना भी मिला है सॉरी लोहा नहीं मिला है कांसा भी मिला है तो ये सारी चीज़ें मिली है इसमें क्या नहीं मिला है लोहा दोस्तों यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में और क्या नहीं मिला है तो घोड़े के अवशेष मिले हैं लेकिन बाद वाले बाद वाले समय बाद के समय में मिला है तो ये लोग जो है घोड़े से भी परिचित नहीं थे और दूसरा दोस्तों ये लोग शेर से भी परिचित नहीं थे शायद ये ऐसा विवरण मिलता है और इनकी इनका जो है सबसे प्रिय पशु जो था वो कुपड़ वाला सांड था दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सिंधु सभ्यता के स्थल मुंडीगाक व शार्थगुई मुंडीगाक और शार्थगुई स्थित हैं ये दोस्तों अभी मैंने बताया था भी सही स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मुंडीगाक और शार्थगुई कहाँ स्थित है पाकिस्तान में स्थित है क्या नहीं अब भारत में स्थित है क्या नहीं नेपाल में स्थित नेपाल में तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया ही नहीं जाता है तो ये कहाँ स्थित है अफगानिस्तान में दो ही स्थान अफगानिस्तान में स्थित है मुंडीगाक और शारदगुई और ये मुंडीगाक जो है अफगानिस्तान में सब सबसे उत्तरी क्षेत्र है तो ये दो स्थान याद रखना दोस्तों विशेष रूप से नेक्स्ट प्रश्न छठा प्रश्न है किस देश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं पाया जाता है किस देश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं पाया जाता है तो दोस्तों चर्चा की हमने पाकिस्तान में पाया जाता है भारत में पाया जाता है अफगानिस्तान में भी अभी देखा है पाया जाता है नेपाल में नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नेपाल नेक्स्ट प्रश्न सातवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मृत भांडों पर पंचतंत्र की कहानियों के अवशेष मिलते हैं दोस्तों ये देखना है आपको लोथल कालीबंगा धोलावीरा और रंगपुर तो दोस्तों इसका आंसर क्या है इसका आंसर है लोथल दोस्तों लोथल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था और नगर भी कैसा था एक बंदरगाह नगर था यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा जो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था और इस तरीके से भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था दोनों तरफ से ये दोस्तों जो ये गोदीवाड़ा है ये वर्तमान विशाखापत्तनम जो है वहाँ का गोदीवाड़ा है उससे भी बड़ा था ऐसा माना जाता है और दोस्तों लोथल जो है एक मेट्रोपॉलिटन नगर था यहाँ से दोस्तों आतदात का पैमाना मिला है और लोथल में जो है जो घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पर खुलते थे जबकि अन्य शहरों में आ, गलियों में जो गलियाँ थीं उनमें खुलते थे लेकिन यहाँ मुख्य सड़कों पर खुलते थे और यहाँ पर दोस्तों आ, और भी चीज़ें मिली हैं यहाँ पर रंगाई कुंड मिले हैं मनके का कारखाना मिला है और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मन्त पांडव पर पंचतंत्र की कहानियों के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ से दोस्तों विदेशों फारस मेसोपोटामिया वगैरह की यहाँ से मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं लोथल कहाँ स्थित है तो लोथल खम्बाद की खाड़ी गुजरा गुजरात में स्थित हैं ठीक है दोस्तों कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है अम्ला घोष ने इसकी खोज की थी और यहाँ से क्या मिला है दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ एक कपड़े में लिपटा सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं और जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं यहाँ से युगल शवाधान मिले हैं युगल शवादान है ना दोस्तों जिसमें एक महिला और पुरुष को साथ साथ दफनाया जाता था और शवाधान की तीन पद्धतियाँ मिली हैं जिसमें पूर्ण शवादान आंशिक शवादान और दा दाह संस्कार ये तीन पद्धतियाँ हैं ये मिली हैं काली बंगा से और कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में गग्घर नदी के किनारे स्थित हैं ठीक है दोस्तों दोलावेरा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और रंगपुर जो है दोस्तों रंगपुर जो है ये गुजरात में स्थित है और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर में दोस्तों कालीबंगा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो अब हमको देखना है कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो ये कालीबंगा नगर था ये दोनों अलग अलग तरीके से दुर्गीकृत थे दोस्तों धोलावीरा के बारे में पहले चर्चा करना पहले चर्चा की थी लेकिन एक और इसमें चर्चा का विषय है कि धोलावीरा का जो नगर था वो तीन भागों में विभाजित था जबकि अन्य स्थानों के जितने भी नगर हैं वो केवल दो ही भागों में विभाजित था पश्चिमी क्षेत्र जो है टीला इसमें प्रशासनिक क्षेत्र था ये और ये आमजन का क्षेत्र था और यहाँ इसमें धोलावी धोलावीरा में जो है धोलावीरा में तीन भागों में विभाजित था जिसमें एक क्षेत्र में तो यहाँ प्रशासनिक प्रशासन वाले लोग रहते थे और यहाँ इनके संबंधित रहते थे और यहाँ जन रहते थे ये है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है तो दोस्तों पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है लोथल कालीबंगा धोलावीरा और मोहनजोदड़ों कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ों से पशुपति नाथ की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो है दोस्तों, दोस्तों पशुपतिनाथ की जो मुद्रा है पशुपतिनाथ आद्य शिव के रूप में है दोस्तों इस तरीके से बैठे हुए हैं योगी की मुद्रा में और उसके एक तरफ हाथी गेंडा है और एक तरफ बाघ और बाघ और एक तरफ हाथी और चीता है दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है और इसके पैरों में जो है दो हिरण हैं तो कुल इस पांच पे पशु हैं दोस्तों ये भी याद रखना है कहाँ से मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है है ना ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों और मोहनजोदड़ो की यदि बात करें हम तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है उन्नीस में राखल बनर्जी ने की थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो का हड़प्पा के बाद में नाम आता है तो यहाँ से क्या क्या मिला है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से हा यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है विशाल स्नानागार के साथ साथ में यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं और यहाँ दोस्तों कांश्य की नर्तकी मिली है काश्य की नर्तकी मिली है दोस्तों और तीपतीय अलंकरण युक्त पत एक योगी की प्रतिमा भी यहीं से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण है और बाकी आप किताबों में पढ़ ही रहे होंगे नवा प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल तीन भागों में विभाजित था हमने पहले भी चर्चा की थी इस संदर्भ में लोथल जो है लोथल में जो है ऐसा कुछ था नहीं कालीबंगा में दो अलग अलग था रंगपुर के बारे में ऐसा कुछ है नहीं लेकिन धोलावीरा जो है तीन भागों में विभाजित था कौन सा स्थल धोलावीरा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों दसवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तों देखेंगे सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो ताबूत शवाधान हड़प्पा मनके का कारखाना लोथल और मिट्टी का हल सुर कोटड़ा दोस्तों यहाँ ये वाला यहाँ पर देखना है इसमें यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही सुमेलित है शिव के पैमाना मोहनजोदड़ों से और हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से प्राप्त हुआ है ताबूत शवदान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है दोस्तों ताबूत शवादान यानी यानी कि ये जो शवदान प्राप्त हुआ है ये किसी विदेशी का था जिसको एक ताबूत तो होता है एक पेटी होती है शव पेटी का उसमें रख करके गाड़ा गया था मनके का कारखाना बिल्कुल लोथल में प्राप्त हुआ है दोस्तों ये याद रखना है लोथल का जो मनके का कारखाना है ना मनके का कारखाना वो एक चन्हु जगह है चन्हु से भी प्राप्त हुआ है और चन्हु के बारे में आपको याद रखना है कि ये उस समय का एक सौंदर्य प्रसादन नगर था यहाँ मनके का कारखाना भी मिला है यहाँ एक और कांसे का दर्पण मिला है और चनहुदड़ो जो है इसका कोई दुर्गीकरण नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग शेविंग वेविंग करवाने आया करते थे और सौंदर्य प्रसादन के लिए यहाँ मेकअप करवाने आया करते थे तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी और ये चनहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पर स्थित है तो सिंध प्रांत पंजाब में स्थित है नेक्स्ट uh, देखते हैं दोस्तों मिट्टी का हल मिट्टी का हल कहाँ प्राप्त हुआ है तो मिट्टी का हल सुर कोटड़ा में प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों सुर कोटड़ा में घोड़े की अस्थियाँ जरूर प्राप्त हुई है लेकिन मिट्टी का हल जो है ये ये हरियाणा में स्थित बनावली से प्राप्त हुआ है बनावली बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है दोस्तों बनावली की बात कर लेते हैं हम बनावली आर एस विश्व ने इसकी खोज की थी और बनावली में जो है आ, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और इसके अलावा यहाँ जो कि दो किस्में प्राप्त हुई है जो कि दो किस्में प्राप्त हुई है और यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था दोस्तों कहाँ पे बनावली में ये ध्यान रखना है आपको आ, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट ग्यारहवा प्रश्न है काश्य के रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है जिसे एक नग्न आकृति चला रही है काश्य रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल के बारे में चर्चा की हमने कालीबंगा के बारे में रंगपुर के बारे में तो ये तो होंगे ही नहीं देमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का वहाँ से प्राप्त हुआ है काश्य रथ और इसको एक नग्न आकृति चला रही है दोस्तों देमाबाद दक, दक्षिणी सिंधु सभ्यता दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों बारवा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का मार्टिमर व्हीलर के अनुसार मार्टिमर व्हीलर के अनुसार कालक्रम क्या है दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की थी इस संदर्भ में पहले ही प्रश्न में मार्टिमर व्हीलर ने इसका जो कालक्रम बताया है पच्चीस सौ ईसवी पूर्व से और पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व बताया है ठीक है दोस्तों ये बाकी के बारे में हम चर्चा हम चर्चा कर ही चुके हैं ये जो तेईस सौ पचास और सत्रह सौ पचास है यही एक मान्य कार्य काल है इसका है ना तो इसको आप ध्यान रखना धर्मपाल अग्रवाल और कार्बन चौदह के आधार पर ये है और मार्टीवन व्हीलर के अनुसार पच्चीस सौ ईस्वी पूर्व से पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मुद्राओं से मुद्राओं पर किस पशु की आकृति प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों किस पशु की प्राप्त आकृति प्राप्त नहीं हुई है ध्यान देना है तो यहाँ शेर गाय घोड़ा इन सभी पशुओं की आकृतियाँ यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और किन पर मुद्राओं पर भी और मृदभांडों पर भी इनकी आकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से साइन बोर्ड किस स्थल से साइन बोर्ड और स्टेडियम के अवशेष मिले हैं दोस्तों इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल कालीबंगा रंगपुर धोलावीरा तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है दोस्तों धोलावीरा महत्वपूर्ण स्थान है इसकी खोज जो है उन्नीस सौ में, में की गई थी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है जिसका साम्य निम्नलिखित में से किस संस्कृति से हैं दोस्तों जो सिंधुवासी थे या हड़प्पावासी थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था ध्यान देना विशेष रूप से मुख्य व्यवसाय जो था वो वो था व्यापार क्या था व्यापार और इनका आजीविका का मुख्य जो साधन था वो कृषि था ये दोनों चीज़ें अलग अलग है मुख्य व्यापार मुख्य व्यवसाय की बात आए तो कृषि आएगा है ना और आजीविका का साधन जो था वो कृषि था दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इनका जो है समकालीन विदेशी सभ्यताओं से भी संबंध संपर्क था तो दोस्तों किससे था मिस्र से मेसोपोटामिया यूनान तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया से इनका व्यापारिक संबंध थे ठीक है और ये बेलनाकार मोहरे यहाँ प्राप्त होने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने आए होंगे और यहाँ ये जो है मोहरे इसी कारण से मिली हैं सोलह प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित को मिलान कीजिए निम्नलिखित को मिलान कीजिए एक तरफ स्थल है दूसरी तरफ नदी है तो दोस्तों जो लोथल देमाबाद चन्हुदड़ो और आलमगीरपुर इधर जो हमको दे रखा है प्रवरा भोगवा और हिंडन दोस्तों लोथल जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे स्थित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो एक चार तीन दो एक चार तीन देखते हैं किस विकल्प में है ये दोस्तों दो एक चार तीन दो एक चार तीन जो है ये दूसरे विकल्प में है तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्राएं बनी होती थी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आ, ये प्रश्न खड़ी पत्थर मिट्टी या धातु दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जितने भी मुद्राएं प्राप्त हुई है वो सेलखड़ी से प्राप्त सेलखड़ी से बनी हुई थी दोस्तों ए, मिट्टी की बात करें तो यहाँ से मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं और वो इन बर्तनों पर विशेष प्रकार की पॉलिश थी जो उस समय बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है धातु की बात करें तो धातु की हमको मूर्तियाँ रथ वगैरह प्राप्त हुए हैं और पत्थर की भी एक तिपतिया अलंकरण युक्त मोहनजोदड़ो से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है ठीक है दोस्तों आ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अट्ठारहवा हड़प्पा काली नगर चन्हुदड़ो प्रसिद्ध था इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं वापस देखते हैं इसमें मनके के कारखाने के लिए बिल्कुल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए बिल्कुल कुत्ते और बिल्ली के पंजो युक्त ईंटों के लिए बिल्कुल दोस्तों यहाँ जो है ईंटें जो प्राप्त हुई हैं उन पर जो है कुत्ते और बिल्ली के पंजों का चिन्ह मिला है आगे आगे बिल्ली के पंजों का चिन्ह है और पीछे कुत्ते का है तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है एक कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सब की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमने देखा है वो है नगर नियोजन और नगर नियोजन था तो दोस्तों कहीं ना कहीं ईंटें भी इनके लिए महत्वपूर्ण थी तो दोस्तों ए, यहाँ के जो नगर थे ज़्यादातर जो नगर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए बने हुए थे और विशेषकर नालियाँ जो थी, वो तो पक्की ईंटों की ही बनी हुई थी और दोस्तों जो ईंटों का अनुपात है एक अनुपात दो अनुपात चार यानी कि जो लंबाई चौड़ लंबाई चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात जो वर्तमान में भी प्रचलित है वो यही था तो दोस्तों ये तत्कालीन समय के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात रही होगी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों तो इसका आ, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट उन्नीसवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है ये देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को स्टुअर्ड पिगट स्टुअर्ड पिगट ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है नेक्स्ट नौशारो से मांग में सिंदूर युक्त मूर्तियां प्राप्त हुई है नेक्स्ट है हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है तो दोस्तों इसमें जो देखना है आपको इसके बारे में हमने चर्चा की थी दीन इन बस्ती कहा जाता है ये बिल्कुल सही है मोहन से विशाल स्नानागार मिला है मिला है लेकिन स्टुअर्ट पिगट ने नहीं दोस्तों ये सर जॉन मार्शल सर जॉन मार्शल जो कि इसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन के टाइम पे पुरातत्व तो विभाग के निदेशक थे उन्होंने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का आना कि स्टुअर्ट पिगट स्टुअर्ट पिगट ने जो तो दोस्तों स्टुअर्ट पिगट के बारे में याद रखना स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ों को सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताई है किसने स्टुअर्ट पिगट ने इनके बारे में भी आप ये जानकारी रखना दोस्तों अभी जो हम देखते हैं कि आ, हमारी संस्कृति में महिलाएं मांग में सिंदूर बढ़ती है वो भी देखो दोस्तों यहीं से कहीं ना कहीं यहीं से प्राप्त हुआ है कहाँ से नौशारो पाकिस्तान में है यहाँ से प्राप्त हुआ है सिंदूर था एक मूर्ति में मूर्ति की मांग में और दोस्तों जो आभूषण वगैरह है और उस समय के जो और भी प्रा जो मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है उसके केश विन्यास जो है वो वर्तमान केस विन्यास की तरह ही है पीछे एक जुड़ा बंधा हुआ है जो कि वर्तमान में भी महिलाएं उस तरीके के जुड़ा बांधती हैं तो बहुत सी चीज़ें वहीं से चली आ रही है जैसे वर्तमान में भी गाँव में कुम्हार जो है चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते हैं और ये जो कला है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है वहाँ भी ये कला प्रचलित थी दोस्तों उस समय पैर से चलाने वाला चाक भी था कुमारों के पास और हाथ से चलाने वाला चाक भी था बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी दोस्तों और यदि आगे हम बात करें तो दोस्तों इनका जो नगर नियोजन आश्चर्यजनक था बहुत आश्चर्यजनक यहाँ के जो नगर थे बिल्कुल इस तरीके से ये मुख्य सड़कें थी ठीक है ये मुख्य सड़कें जो है एक ग्रीट पैटर्न पर संपूर्ण पर काटती थी है ना इस ये जो सर्किस सर्कस है बीच का इसको ऑक्सपोर्ट सर्कस कहा जाता था और दोस्तों इसमें फिर और उप गलियाँ थी इस तरीके से ये उप गलियाँ और इन उप गलियों में भी इन उप गलियों में फिर यहाँ मकान बने होते थे और ये मकान जो है इधर मुख्य सड़कों पर नहीं खुल करके ये छोटी छोटी गलियों में खुलते थे तो दोस्तों ये बहुत आश्चर्यजनक निर्माण था और दोस्तों ये जो गलियाँ थीं इन गलियों के सहारे सहारे नालियाँ बनी हुई थी जिनमें कि नगर के बाहर एक सोखता सोखता गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें कि वो जाकर के पानी जो है जमा हो जाए और कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाए और फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता था तो इस तरीके से जल प्रबंधन की बहुत ही उन्नत प्रणाली इनके पास थी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश विस्तार पाया जाता है ये भी एक, एक काम का प्रश्न है दोस्तों आपके बहुत काम का बहुत महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश विस्तार कहाँ पाया जाता है तो सिंधु नदी के किनारे घग्गर नदी के किनारे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट विकल्प रावी नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों सभी के किनारे इसके स्थल हैं लेकिन यदि हम इसके अधिकांश विस्तार की बात करें तो अधिकांश विस्तार कहाँ है अधिकांश विस्तार दोस्तों भारत में है और भारत में भी कहाँ स्थित है गुजरात में स्थित है कहाँ है गुजरात में स्थित है और गुजरात में जो है वर्त वर्तमान जो घग्गर नदी है वो पहले पंजाब हो पंजाब हरियाणा होती हुई राजस्थान में होती हुई और गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी दोस्तों तो इसका मार्ग यही था तो जो घग्गर नदी है इसके किनारे ही सिंधु घाटी के ज़्यादातर जो नगर हैं ज़्यादातर स्थल हैं वो प्राप्त होते हैं दोस्तों हमारे जैसलमेर में एक जलपट्टी के नाम से चांदन नलकूप है चांदन नलकूप जिसको रेगिस्तान का घड़ा कहा जाता है पुरातत्व मतलब भूतात्विक सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पहले जो घग्गर नदी है उसका जो रास्ता है वो यहीं राजस्थान होकर गुजरात जाता था तो इसी के किनारे किनारे ये नगर थे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों किस स्थान से मिट्टी की नौका प्राप्त हुई है दोस्तों हमने पहले इन सारे स्थानों की चर्चा कर कर ली थी लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता है आगे एक प्रश्न आने वाला है तो मिट्टी की नौका कहाँ प्राप्त होगी दोस्तों नौका की कहाँ जरूरत होगी जहाँ पर गोदीवाड़ा होगा और गोदीवाड़ा कहाँ था लोथल में तो दोस्तों लोथल में मिट्टी की नौका प्राप्त हुई है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट किस स्थल से भूकंप के साक्ष्य किस स्थल से भूकंप के साक्ष्य लिंग पूजा के प्रमाण सूती कपड़े में लिपटा हुआ उत्तरा जूते हुए खेत के प्रमाण मिले दोस्तों पहले चर्चा कर चुके हैं ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और हुए हैं सारी सामग्री और हनुमान हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और बनावली के संदर्भ में भी हम पहले बात कर चुके हैं ये भी गग्गर नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है आर एस की खोज की थी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तेईसवा मैसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों पर दिलमुन दिलमुन माकन मेलुहा शब्द मिलते हैं जिसमें मेलुहा का समीकरण लगाया जाता है काम का प्रश्न है दोस्तों आ, किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से ये प्रश्न टपकने वाला है हो सकता है आपकी परीक्षा में ही आ जाए और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये पिछली किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही हैं तो आप बहुत इतमान से और इनको आराम से देखिए तो पहला विकल्प है फारस दूसरा मकरान तीसरा सिंध और चौथा है हड़प्पा तो दोस्तों इसका जो सम्बन्ध संबंध है दिलमुन का दिलमुन जो है वो दोस्तों किस क्या क्या पूछा है मेलुहा पूछा है दोस्तों मेलुहा है जो है मेलुहा का संबंध सिंध से है किससे हैं है? सिंध से हैं और भी शब्द है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दिलमुन जो है दिलमुन जो है वो फारस है दोस्तों दिलमुन क्या है फारस है और जो मक, माकन है मा माकन है जो है माकन का समीकरण जो है मकरान से है दोस्तों माकन का किससे है मकरान से है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है चौबीसवा सिंधुवासी आभूषणों के शौकीन थे ये आभूषण बने होते थे तो दोस्तों ये जो आभूषण है सोने चांदी सीप और मिट्टी इन सभी के बने होते थे ठीक है दोस्तों जो द, दोस्तों ये सोन ये लोग जो है सोना जो है आ, वर्तमान में आ, जो कोलार की खाने हैं दक्षिण भारत में वहाँ से ये लोग उस समय भी सोना प्राप्त करते थे और चांदी वगैरह ये आ, मध्य एशिया वगैरह से ये लोग इसको आयात करते थे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय था मुख्य व्यवसाय की बात हो रही है दोस्तों तो मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था मुख्य व्यवसाय व्यापार था जबकि आजीविका का मुख्य साधन कृषि था दोनों अलग अलग, अलग चीज़ें हैं ये याद रखना है दोस्तों हालांकि ये ये लोग शिल्पकार भी थे पशुपालन इनका नहीं था पशुपालन मुख्य व्यवसाय जो था वो इसके बाद में जो संस्कृति आती है वैदिक संस्कृति उनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय था तो इनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय नहीं था हालांकि दोस्तों ये बहुत सारे पशुओं से परिचित हैं गाय बैल भैंस बेड़ बकरी कुत्ता और इसके अलावा दूसरे जानवरों से भी ये परिचित थे और दोस्तों ये जो सिंधुवासी थे ये प्रकृति दोस्तों ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे ये किसी देवता या देवी की पूजा नहीं करते थे ये प्रकृति को ही देवी और देवता मान करके के पूजा करते थे हालांकि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुद्रा प्राप्त हुई है उसके आधार पर आ, मतलब उसका आद्य वो जो पशुपतिनाथ है उसको आद्य शिव माना जाता है लेकिन ऐसा उस समय कोई समीकरण नहीं मिलता है कि वो शिव की पूजा करते थे और मात्र देवी की प्रतिमा मात्र देवी की मूर्ति मिली है एक हड़प्पा से जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दर्शाया गया है तो इससे जो है मातृ प्रधान समाज की भी संकल्पना यहाँ से लगाया जाता है अनुमान लगाया जाता है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सिंधुवासी किस फसल से परिचित थे तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये भी सरसों तिल खजूर तरबूज खरबूज कपास गेहूँ जो इस तरीके से दोस्तों ये नौ फसलों से परिचित थे नौ फसलों से ये लोग परिचित थे है ना और दोस्तों कपास दोस्तों ये जो है जो और चावल की तो अलग अलग किस्में भी ये लोग उगाते थे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सत्ताईसवा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार कालक्रम किया है तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न की ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है तेईस सौ पचास से सत्रह सौ पचास से पूर्व जो कि सी फोर्टीन यानी कि कार्बन चौदह के आधार पर भी यही कालक्रम है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मुद्राओं पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिलती है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपने यदि एक मूवी है मोहन हड़प्पा सभ्यता पर मोहन जोदड़ो ऋतिक रोशन की उस उसको दे, देख देखी हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी कि ऋतिक रोशन जो है हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है आमरी आमरी से मोहन तो जाता है तो उसको उसके पिताजी एक मोहर देते हैं और उस मोहर पर जो है एक संगी पशु की आकृति थी वही जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित थी ठीक है दोस्तों बाघ हाथी और भैंसा इनकी भी आकृतियाँ मिलती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एक संगी पशु की मिलती है दोस्तों उस समय एक संगी पशु कोई ना कोई इनका दिव्य पशु रहा होगा काल्पनिक पशु था दोस्तों ऐसा कोई पशु मतलब वास्तव में था नहीं लेकिन कोई काल्पनिक पशु रहा होगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हड़प्पावासी माप तोल के औजारों से परिचित थे दोस्तों इस संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं आपको अनुमान भी लग गया होगा क्या ये सही है या गलत एक वे एक निश्चित अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग करते थे वे धातु की मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाते थे सिंधुवासी बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे तो दोस्तों ये जो माप के औजार मिले हैं बिल्कुल ये और अनु एक अनुपात दो अनुपात चार कीटों का प्रयोग करते थे लुप्त मोम विधि से जो है धातु की मूर्तियाँ बनाते थे दोस्तों लुप्त मोम मौ, लुप्त मोम विधि के बारे में थोड़ा बता देता हूँ इसको इंग्लिश में आ, लोस्ट वैक्स मेथड कहा जाता है आ, न, मतलब इसमें होता क्या था कि मोम जो है मोम जो है ना शहद से प्राप्त करते थे ये लोग और एक और शहद से एक चीज़ ध्यान आई कि ये मीठा करने के लिए किसी भी चीज़ को शहद का प्रयोग करते थे तो जो मोम है उससे कोई ना जो इच्छित आकृति बना लेते थे मूर्ति की और उसको दोस्तों मिट्टी जो थी थी उसमें दबा देते थे और उस मिट्टी को गर्म करके उस मोम को पिघला करके बाहर निकाल देते थे और फिर काँसा या तांबे को बिल्कुल पिघला करके और वो जो खोखला मिट्टी का बनता था आ, उसमें उसको डाल देते थे इस तरीके से ये धातु की मूर्तियाँ बना देते हैं इसको लोस्ट वैक्स मेथड कहा जाता है दोस्तों सिंधुआ सिंधुवासी चाक के प्रयोग करना जानते थे तो ये भी सही है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और ये भी बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल जो है क्या है क्या कल की तरह ही है या कल से ज़्यादा है दोस्तों मैं मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं प्रश्न बनाऊँ उसी के आधार पर मैं आपका जो है पूरा टॉपिक है उसका एक ओवरव्यू आपको दे दूँ ताकि आप कहीं भी पढ़ें तो आपको जो है चीज़ें नहीं नई जो है नहीं लगें और आप उन चीज़ों को इन जो मैं बता रहा हूँ आपको इनसे जोड़ करके पढ़ सकें ताकि आप समझ जाएँ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था नेक्स्ट तीसरा तीसरा प्रश्न है दोस्तों रोपड़ से रोपड़ से एक शव के साथ कुत्ते के कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही है दोस्तों हड़प्पा से मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है बिल्कुल ये भी हमने देखा है पहले कालीबंगा से दाह संस्कार दाह संस्कार आंशिक शवादान और पूर्ण शवादान के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों ये भी सही है तो इसमें क्या है चारों विकल्प तीनों तीनों जो कथन है वो सही कथन है दोस्तों लास्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित को मिलान कीजिए एक तरफ विद्वान हैं और दूसरी तरफ पतन के कारण हैं तो दोस्तों देखते हैं व्हीलर और मार्टिमल व्हीलर और चाइल्ड फेयर सर्विस आर्नस्टाइन मैके राइक्स और डेल्स तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हम व्हीलर और चाइल्ड ने जो है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण जो है इसके पतन का कारण माना है तो पहले में क्या ए में क्या आ जाएगा पहला ही आ जाएगा देखते हैं फेयर सर्विस फेयर सर्विस फेयर सर्विस ने क्या बताया आर्यस्टाइन ने क्या बताया और राइक्स डेल्स ने क्या बताया तो दोस्तों फेयर सर्विस ने बताया पारिस्थितिकी विक्षोभ तो दूसरे में क्या आ जाएगा तीसरा आ जाएगा और आर्न स्टाइन ने बताया जलवायु परिवर्तन तो इसमें दो आ जाएगा दोस्तों मे के डेल्स ने बताया बाढ़ बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था दोस्तों कई कारण बताए हैं अलग अलग विद्वानों ने लेकिन जो बाढ़ वाला कारण है वही ज़्यादा सशक्त हैं वैसे के यू आर कैनेडी हैं एक रूसी इतिहासकार इन्होंने मलेरिया जैसी भयानक बीमारी को भी इसके पतन का कारण बताया है चूँकि मोहनजोदड़ों से जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं मलेरिया जैसी बीमारी के प्रमाण मिले हैं इस कारण से दोस्तों नदियों द्वारा इनके मार्ग परिवर्तन करना भी इसके मतलब पतन के कारण माने जाते हैं यही ज़्यादा यही कारण जो है बाढ़ यही जो मार्ग परिवर्तन ही जो है बाढ़ का कारण बना और इसी कारण से इसका पतन हो गया तो इसका आंसर क्या है दोस्तों हमने मिलाया था पहले को पहले से दूसरे को तीसरे से तीसरे को दूसरे से और इसको इससे तो इसका आंसर हो जाएगा एक तीन दो चार एक तीन दो चार किसमें हैं एक तीन दो चार तो एक तीन दो चार पहले में ही है तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैंने इकतीस प्रश्न आपको दिए हैं और सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों मैं इतना समय इसलिए लेता हूँ ताकि जो आपके प्रश्न हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और प्रश्नों की सारी व्याख्या भी अच्छी तरीके से हो जाए और जो टॉपिक में कुछ छूट जाता है जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करते समय वो भी आपको उसमें व्याख्या मिल जाए मिल जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों मैं निरंतर आपके साथ प्रयास करता रहूँगा और आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे आ, पुनर्बलन मिल सके दोस्तों आज का जो वीडियो डाला था पिछला जो वीडियो डाला था उसमें आप लोगों के बहुत 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 अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं उसी से मैं प्रेरित होकर के आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ यदि इसी प्रकार से आपके कमेंट्स मुझे प्राप्त होते रहेंगे और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा यही मेरी इच्छा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही